आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां वाराणसी के बीएचयू कैंपस में छात्रों और कुलपति के बीच का विवाद अब तो सड़कों पर आके खुल गया है। बीएचयू के कुलपति के खिलाफ शहर के कई जगहों पर होल्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें वीसी के हिंदी विरोधी होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनसे कुलपति से इस्तीफे की भी मांग कर ली गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीएचयू में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में हिंदी भाषियों के साथ वीसी के सौतेले व्यवहार का आरोप लगा था, जिसे लेकर होल्डिंग में कार्टून से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषियों का कैसा अपमान हो रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। होल्डिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या ये सारी बातें कम्युनिकेशन से, आपस में बातचीत से सॉल्व नहीं हो पा रही थी? आखिर ऐसा क्या था कि तमाम वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, भर्ती के लिए लाइन में लगे लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ, तो क्या इस बारे में बातचीत नहीं हो सकती थी, या फिर बातचीत हुई वो असरदार नहीं साबित हुई? हिंदी भाषियों के साथ वीसी के सौतेले व्यवहार का आरोप लगा था, जिसे लेकर होल्डिंग में कार्टून से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषियों का कैसा अपमान हो रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। होल्डिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या ये सारी बातें कम्युनिकेशन से, आपस में बातचीत से सॉल्व नहीं हो पा रही थी? आखिर ऐसा क्या था कि तमाम वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, भर्ती के लिए लाइन में लगे लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ, तो क्या इस बारे में बातचीत नहीं हो सकती थी, या फिर बातचीत हुई वो असरदार नहीं साबित हुई? हिंदी भाषियों के साथ वीसी के सौतेले व्यवहार का आरोप लगा था, जिसे लेकर होल्डिंग में कार्टून से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषियों का कैसा अपमान हो रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। होल्डिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या ये सारी बातें कम्युनिकेशन से, आपस में बातचीत से सॉल्व नहीं हो पा रही थी? आखिर ऐसा क्या था कि तमाम वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, भर्ती के लिए लाइन में लगे लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ, तो क्या इस बारे में बातचीत नहीं हो सकती थी, या फिर बातचीत हुई वो असरदार नहीं साबित हुई? हिंदी भाषियों के साथ वीसी के सौतेले व्यवहार का आरोप लगा था, जिसे लेकर होल्डिंग में कार्टून से कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषियों का कैसा अपमान हो रहा है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। होल्डिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या ये सारी बातें कम्युनिकेशन से, आपस में बातचीत से सॉल्व नहीं हो पा रही थी? आखिर ऐसा क्या था कि तमाम वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, भर्ती के लिए लाइन में लगे लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ, तो क्या इस बारे में बातचीत नहीं हो सकती थी, या फिर बातचीत हुई वो असरदार नहीं साबित हुई? सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।